हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विधानसभा के बारे में जाना था कि विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है, जिसके अंदर ठीक है विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, उनको हम बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो जितने भी राज्य हैं उन सब के अंदर विधानसभा तो है ही है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि 6 राज्य हैं जिसके अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, उनको याद रखने की ट्रिक है। जाट कुंभ याद होगा, और जे जम्मू कश्मीर में नहीं है क्योंकि इससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। हरियाणा की जो विधानमंडल है, विधानमंडल कहते हैं बच्चे जिसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। जैसे सेंटर में संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है, वैसे ही राज्य विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। हरियाणा की विधानसभा यूनिकैमरल है। और विधानसभा विधानमंडल से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, विधानमंडल से रिलेटेड वो पार्ट 6 के अंदर हैं, और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो है बच्चे 168 से लेकर के 212, है ना। और लास्ट वीडियो में मैंने हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 212 से 231 बताए थे, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं बच्चे वो 214 से 231 हैं, है ना, 214 से 231। और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो हैं आपके 168 से लेकर 212। ये दोनों चीज़ें पार्ट 6 में हैं। ये तो हाई कोर्ट है और ये है स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। एक आर्टिकल इसमें से छूट गया जो बीच में है ना, एक आर्टिकल रहता है ना 213, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। और ये अध्यादेश जो जारी करेगा ये गवर्नर वाला है, राज्यपाल वाला। और एक जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उससे रिलेटेड आर्टिकल संविधान में 123 है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप पॉलिटी में ही पढ़ोगे, यहाँ बताने लगूंगा तो फिर सारी क्लास इसी में चली जाएगी कि ऑर्डिनेंस क्या है। बस इतना याद रखना कि 168 से 212 स्टेट लेजिस्लेचर है और हाई कोर्ट 214 से 231 है, बीच में 213 जो है ये अध्यादेश, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे अध्यादेश, अध्यादेश से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि गवर्नर इशू करेगा। और 123 रिलेटेड आर्टिकल फिर से अध्यादेश है, बट ये किसके द्वारा जारी अध्यादेश है, राष्ट्रपति द्वारा। ज़्यादा इसमें अब नहीं बताऊंगा अध्यादेश क्या है, वो पॉलिटी में आप अलग ही, क्योंकि वो पूरी वीडियो उस पर बनाई जा सकती है 30-40 मिनट की, अध्यादेश, ठीक है। ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, इसको आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे। तो हमने जाना था कि हरियाणा का विधानमंडल कैसा है बच्चे, तो यूनिकैमरल है, इसमें केवल एक ही सदन है, विधानसभा है ना। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हरियाणा विधानसभा में आज कितनी सीटें हैं, 90। जब हरियाणा बना था उस टाइम पे सीटें कितनी थी, 54। फिर 67 में बढ़ा के कर दी गई 81, 77 में बढ़ा के कर दी गई थी, सीधी 90 है ना। आज आरक्षित सीटें 17 हैं। एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट बच्चे खत्म हो गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है ना। मैंने बताया था SC और ST के लिए सीटें 10 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई 2030 तक, परंतु एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था लोकसभा में और राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था विधानसभा में, ठीक है, ये खत्म कर दिया। फिर हमने 17 जो मनोनीत आरक्षित सीटें हैं विधानसभा के अंदर, उसको याद करने की एक ट्रिक जानी थी, है ना, कि कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया, है ना, 17 सीटें थी। और आशा करता हूँ कि वो आपने याद कर ली होंगी कि कलावली है, कलानौर है ना, मुलाना है, नीलोखेड़ी है, झज्जर है, भवानी खेड़ा है, ये 17 सीटें थी, ठीक है, आपने लिख के देखा होगा, आपको याद होगी होंगी। और मैंने वहाँ पे बताया था कि एकमात्र जिला विधानसभा सीट है जो कि आरक्षित है अपने आप में, और वो है आपकी झज्जर, जिसे शहीदों का शहर भी कहते हैं। और कुरुक्षेत्र नाम की कोई बच्चे विधानसभा सीट नहीं है, थानेसर है। कुरुक्षेत्र में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, लाड़वा है, पेवा है, थानेसर है और शाहबाद है। शाहबाद अपने आप में आरक्षित सीट है। और 5 जिले ऐसे हैं बच्चे जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। हरियाणा के अंदर जो आरक्षित सीटें हैं बच्चे, वो मैंने बताया था किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है हरियाणा के अंदर, ठीक है।
फिर उसके बाद 5 जिले ऐसे जिसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, कौन कौन से थे बच्चे? एक तो था फरीदाबाद, एक था पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नू, है ना, जहाँ पे मुस्लिम जाति सबसे ज़्यादा रहती है, और फरीदाबाद में ईसाई धर्म के लोग, है ना, और मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा मेवात में हैं, और ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किसके अंदर हैं? फरीदाबाद में है। हरियाणा में सिख पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं बच्चे? सिरसा में है। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा दिया है। और मैंने बताया था कि चंडीगढ़ नाम की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है बच्चे। ठीक है, चंडीगढ़ से लोकसभा की सीट तो है, एक सीट है, परंतु राज्यसभा की भी कोई सीट नहीं है, विधानसभा की कोई सीट चंडीगढ़ में नहीं है। ठीक है बच्चे, और लोकसभा की एक सीट है ना। चलिए, आज इसी को हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल के अंदर जानेंगे। जैसे हिसार में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 7 हैं, सबसे कम सीटें 2-2 हैं चरखी दादरी के अंदर, 2 चरखी दादरी में और 2 ही पंचकुला में हैं। ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। उससे पहले, जैसा कि मैंने एक वीडियो में पीछे आपको 5 इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ाए थे कि हरियाणा का हरिकेन किसे कहते हैं, ठीक है, हरियाणा की तरफ से परमवीर चक्र किसको मिला है ना, एकमात्र व्यक्ति है जिसको परमवीर चक्र मिला है, ये कुछ क्वेश्चन हमने 5-6 डिस्कस किए थे पहले, आपको याद होंगे, उसी को आज हम 5-6 पढ़ेंगे अब शुरुआत में। फिर उसके बाद फिर से अपना विधानसभा हम शुरू करेंगे, और फिर लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लंबा हो गया, बट थोड़ा सा रिवाइज कराना बड़ा ज़रूरी होता है, आप खुद तो करते नहीं रिवाइज, है ना। चलिए, तो आज फिर हम अभी शुरू में वो 5-6 क्वेश्चन हम जानेंगे। जैसे हरियाणा का आज सूर्य कवि हम जानेंगे कौन है, है ना, हरियाणा के कालिदास किसको कहते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष की रानी कौन सी है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पेन एंड कॉपी निकाल लो। और चलिए, सबसे पहला है बच्चे हरियाणा के गांधी। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो बाबू मूलचंद जैन को कहते हैं अभी, क्या हरियाणा का गांधी कहते हैं। ठीक है बच्चे, एक वीडियो आगे ये भी आएगी, अभी बनाएंगे थोड़े टाइम बाद, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, 400 से 500 क्वेश्चन होंगे, वो 2-2.5 घंटे की एक लंबी वीडियो रहेगी, आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। ठीक है, 4 से 5 दिन में या 6-7 दिन में आपको मिलेगी, और उसके लिए भी आप रेडी रहें आगे। ठीक है, बाकी डिटेल में ये चलती रहेगी हरियाणा जी का जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है बच्चे हरियाणा का गांधी, हरियाणा के गांधी, गांधी वही मोहनदास करमचंद गांधी, बापू जी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के गांधी कहते हैं बच्चे, ये सवाल पूछा गया, बाबू मूलचंद जैन। बच्चे ऐसा सवाल तो अब काफी बार पूछ लिया उसने कि हरियाणा के गांधी कौन है। अब मेरा मानना ये है कि अब सवाल थोड़ा बदलेगा कि हरियाणा के गांधी कहे जाने वाले बाबू मूलचंद जैन हरियाणा के किस जिले से हैं, कुछ इतना डिटेल में अब सवाल पूछने की आशंका है बच्चे। ठीक है, अब ये तो उसने बहुत बार पूछ लिया ना, तो ये भी अब पूछ सकता है। तो याद रखना ये थे गोहाना, और गोहाना कहाँ पे है बच्चे? सोनीपत में। ठीक है, स्वर्ण नगरी, हरियाणा की एजुकेशन सिटी जिसे कहते हैं, एटलस सिटी भी कहते हैं, जो कि बंद हो चुकी है, और लास्ट ब्रांच मैंने बताया था इसकी वर्ल्ड साइकिल डे पे ही बंद हुई थी, है ना। तो हरियाणा के गांधी हैं बच्चे बाबू मूलचंद जैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, और इन्हीं को कहते हैं हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही। ठीक है, सत्याग्रही, ठीक है, सत्याग्रही है ना। तो ये कौन है? ये दोनों एक ही पर्सन है बच्चे, लाला। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिखते हो तो ठीक है, आगे स्क्रीन पे आ जाते हो, दिखाई नहीं देता। तो भाई तुम 1 सेकंड का 10 सेकंड का 15 सेकंड का वेट कर लिया करो और बाद में देख लिया करो, ऐसे गलतियां मत निकाला करो यार, छोटी छोटी की दिखता ही नहीं है। अब देखो मैं साइड में हूँ तो सब दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, थोड़ा पेशेंस भी रखा करो। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही ये कहते हैं लाला राय बहादुर मुरलीधर, मुरलीधर, जिनकी कर्म भूमि कौन सी है भाई? अंबाला, जहां पे जन्म हुआ था किसका? सुषमा स्वराज जी का, जिनकी अभी पीछे डेथ हुई है। अंबाला
कि जो बस स्टैंड है ना बच्चे, करंट अफेयर का ये सवाल भी बन सकता है, अम्बाला का जो बस स्टैंड है वो हरियाणा का एक तो सबसे पुराना बस स्टैंड है और एक उसका नाम बदल के अब रख दिया गया सुषमा स्वराज बस अड्डा रख दिया गया, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। वो हम आगे करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे या जब अम्बाला जिला में कराऊंगा तो ये बातें आपको बताऊंगा। तो हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही पूछे या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब पूछे तो कौन है बच्चे, लाला राय बहादुर मुरलीधर हैं, जिनकी कर्म भूमि क्या है, अम्बाला है। और लाला लाजपत राय उनकी कर्म भूमि कौन सी है बच्चे, तो हिसार है, वो हम आगे पढ़ेंगे। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया बच्चे। मैं आपको अलग से हरियाणा का व्यक्तिगत परिचय भी कराऊंगा, मतलब जो फेमस फेमस पर्सन है ना, जैसे कल्पना चावला जी हैं, सर छोटू राम जी हैं, ठीक है, लाला राय बहादुर मुरलीधर जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। अभी जस्ट मैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट 5-6 सवाल जो होते हैं डेली मैं आपको कराऊंगा, डेली या 1-2 वीडियो के अंतराल पर आपको कराऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, बाकी सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हरियाणा की तरफ से ये है ना पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस की मीटिंग में शामिल हुए थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, जिसके वायसराय उस टाइम पे कौन थे, भारत के वायसराय डफरिन थे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए तो जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ, जो व्यक्तिगत परिचय कराऊंगा तो बहुत डिटेल में मुरलीधर जी के बारे में बातें बताऊंगा, छोटू राम जी के बारे में बातें बताऊंगा, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के बारे में बातें बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट इतना ही बच्चे, ठीक है, राव तुलाराम जी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही तो कौन है, लाला राय बहादुर मुरलीधर हैं, ठीक है। थर्ड है बच्चे अंतरिक्ष की रानी, अंतरिक्ष की रानी, अंतरिक्ष की रानी बच्चे किसको कहते हैं पता होगा, कल्पना चावला। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में व्यक्तिगत परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतरिक्ष की रानी कौन सी है, कल्पना चावला है, और करनाल में जन्मी थी ये, इसी के कारण करनाल को कल्पना चावला की नगरी भी कहते हैं, कर्ण नगरी भी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष की रानी बच्चे कल्पना चावला जी हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल, तो हरियाणा का ताजमहल है बच्चे शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है बच्चे, कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर है। मैंने बार बार आपको बताया कि कुरुक्षेत्र नाम की कोई विधानसभा सीट नहीं है, थानेसर नाम की है बच्चे। चिहली मंदिर भी है, चिहली मंदिर, चिहली मंदिर, मंदिर टेंपल है ना, चिहली, या कुछ बुक में इसका नाम चिल्ली मंदिर भी लिखा होता है, चिहली मंदिर या चिल्ली मंदिर, ये आपका फतेहबाद में है, फतेहबाद, ठीक है, चिहली मंदिर, तो कंफ्यूज मत होना, चिहली मंदिर या चिल्ली मंदिर पूछे तो कहाँ पे है, फतेहबाद में, है ना। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं बच्चे, शेख चिली का मकबरा, जो कि थानेसर के अंदर है। पूछा गया सवाल है बच्चे कि शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है, तो थानेसर में है, और हरियाणा का ताजमहल भी इसे ही कहते हैं, और एक चिहली मंदिर है या चिल्ली मंदिर जिसको कहते हैं वो कहाँ पे है, फतेहबाद के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर, उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर, या उत्तर भारत का खजुराहो, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर भारत का खजुराहो कहाँ पे है, तो उत्तर भारत का खजुराहो जो है ये कहते हैं अभी भीमा देवी मंदिर को, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर जो है ये उत्तर भारत का खजुराहो है, और ये जो है कहाँ पे है, तो पंचकुला के पिंजोर में, अभी पिंजोर में, पंचकुला के पिंजोर में उत्तर भारत का खजुराहो है। खजुराहो टेंपल जो है ना बच्चे, ये बड़ा फेमस टेंपल है दक्षिण भारत के अंदर, ये सेंटर इंडिया के अंदर भी इसको हम कह देते हैं, और ये कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर, मेरी बात समझना एक बार ध्यान से, खजुराहो मंदिर है किसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं, तो भीमा देवी मंदिर को कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, पिंजोर के अंदर है बच्चे, ठीक है।
इसको खुजराहू को कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पे जब खुदाई हुई थी तो यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली थी ना बच्चे, वो सेम टू सेम किससे मैच खा रही थी, मध्य प्रदेश के खुजराहू टेम्पल से मैच खा रही थी। इसी वजह से उत्तर भारत का खुजराहू किसे कहा गया, तो भीमा देवी मंदिर को कहा गया। और ये कहाँ पे है बच्चे, पिंजौर में है। इसी मंदिर के जो परिसर है ना, जो बाउंड्रीज हैं, जो आसपास का जो एरिया है, वहीं पर आपका फेमस कौन सा गार्डन है भाई, पिंजौर गार्डन है। ये सवाल HSSC ने ना जाने कितनी बार पूछा है कि पिंजौर गार्डन कहाँ पे है, तो पिंजौर गार्डन है पंचकुला के अंदर, पिंजौर पंचकुला के अंदर। और इसी को यादविंदर गार्डन भी कहते हैं। और यहाँ पे बच्चे आम मेला भी लगता है। ये सवाल भी HSSC ने पूछा है कि आम मेला हरियाणा में कहाँ पे लगता है, तो आम मेला हरियाणा में लगता है बच्चे पिंजौर गार्डन के अंदर, ठीक है। अब ये 2019 में लग चुका है बच्चे, 2019 में लगा था, 6-7 जुलाई 2019 को लगा था। और ये कौन से नंबर का था, तो 29वां था, 29वां। क्या समझे, उत्तर भारत का खुजराहो किसे कहते हैं, भीमा देवी मंदिर को। खुजराहो टेंपल है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। क्यों कहते हैं इसको खुजराहो, क्योंकि यहाँ से खुदाई से जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो किससे मैच खाते हैं, खुजराहो से मैच खाते हैं, मध्य प्रदेश के खुजराहो टेंपल से मैच खाते हैं। और कहाँ पे, पिंजौर में है। और इसी के परिसर में, मंदिर के परिसर में किस कौन सा गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, जिसे यादविंदर गार्डन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आम मेला भी लगता है पिंजौर गार्डन में, और 6-7 जुलाई 2019 को लग चुका है। और वो कौन से नंबर का था, 29वां आम मेला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट बच्चे समझ में आए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छठा, हरियाणा के सूर्य कवि या हरियाणा के तानसेन, हरियाणा के सूर्य कवि या तानसेन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पता होगा बच्चे, हरियाणा का सूर्य कवि है पंडित लक्ष्मीचंद जी, है ना, जो कि सोनीपत के कहाँ से थे, तो जाटी कला गांव से थे, हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाने वाले या तानसेन कहे जाने वाले। उससे अगला हम पढ़ेंगे हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो दीपचंद ब्राह्मण को कहते हैं, है ना। तो 6 पॉइंट है बच्चे, हरियाणा के सूर्य कवि या इसी को हम कहते हैं हरियाणा का तानसेन, ठीक है। तो ये हैं बच्चे पंडित लक्ष्मीचंद जी। डिटेल में बच्चे सोनीपत जिला जब पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कितनी हैं, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सूर्य कवि तानसेन है, सूर्य कवि या तानसेन कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं। तो कहाँ से हैं, सोनीपत जिले से हैं। और सोनीपत के कहाँ से हैं बच्चे, तो सोनीपत के हैं जाटी कला गाँव से भाई, जाटी कला, ठीक है, यहाँ से हैं। हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाने वाले या तानसेन कहे जाने वाले, ये सवाल बहुत बार पूछता है, हरियाणा के सूर्य कवि कौन है, तो बताओगे लक्ष्मीचंद, तानसेन कौन है, तो कौन है, लक्ष्मीचंद जी हैं। कहाँ से हैं, सोनीपत जिले से हैं। कौन से गांव से हैं, जाटी कला। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे उसने घुमास फिरा के पूछे हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद जी का संबंध किस जिले से है, सोनीपत से। कहाँ से है, सोनीपत में कहाँ से है, तो जाटी कला से है, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तानसेन कौन थे ये भी जान लो, भाई तानसेन इनका ओरिजिनल नाम था, वो था रामतनु पांडे। ये ओरिजिनल नाम था, किसका नाम था भी, तानसेन का नाम था। अकबर जो हुआ ना, मुगल काल के जो राजा हुए हैं, ठीक है, पहले आए थे बाबर के बाद फिर हुमायूं के बाद अकबर, है ना, अकबर के बाद जहांगीर। तो अकबर के बच्चे 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न। 9 रत्न क्या है कि ये आभूषण वगैरह नहीं थे, बेसिकली ये बड़े ही क्लोज, जो कि अकबर के बहुत क्लोज थे 9 पर्सन, उन्हीं को वो बोलते थे, क्या बोलता था, 9 रत्न बोले जाते हैं अकबर के, 9 रत्न। अकबर के 9 रत्नों में से ही एक रत्न कौन सा था, तानसेन था, ठीक है। तानसेन संगीत के बड़े ही माहिर विद्वान तानसेन, है ना, जिनका ओरिजिनल नाम तो क्या था, राम तनु पांडू, है ना। 9 रत्न पता है ना बच्चे, अकबर के 9 रत्नों में जैसे बीरबल भी था, जिसका ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम क्या था, महेश दास था, और बीरबल नाम दिया था अकबर ने इसको, ठीक है। बीर बोला जाता है कि बुद्धि को बीर बोला जाता है, और बल, इनके बुद्धि में बहुत बल था, तो बोलते हैं इस वजह से इसको नाम दिया गया, महेश दास को क्या नाम दिया गया, बीरबल नाम दिया गया, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, है ना, बीर, बुद्धि को बीर कहते हैं, बीर,
बीर में बोलते हैं बल था, इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया, बीरबल नाम दे दिया। तो मेरी बात समझना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। हरियाणा का सूर्य कवि या तानसेन किसको कहते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद सोनीपत के जाटी कला से हैं। और तानसेन कौन है जिसका बचपन का नाम, ये पूछा गया सवाल है बच्चे, तानसेन का बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडु। और ये कौन है तानसेन, तो संगीत के बड़े ही महान संगीतज्ञ थे, अकबर के 9 रत्नों में से 1 रत्न है। और 9 रत्न में जैसे बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है, हिस्ट्री में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। और बीरबल का बचपन का नाम क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे चलो जान लो एक्स्ट्रा है, महेश दास। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट ये है भाई, हरियाणा का कालिदास। कालिदास जो कि गुप्त काल में हुए हैं, हिंदी के गुप्त काल के अंदर हुए हैं, हरियाणा का कालिदास है ना, जिसको भारत का स्वर्ण काल भी बोला जाता है, गुप्त काल को भाई। हरियाणा का कालिदास पूछे या शेक्सपियर पूछे, शेक्सपियर एक ही व्यक्ति है बच्चे, और वो है दीपचंद ब्राह्मण। दीपचंद ब्राह्मण ये है हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर। ये भी कहाँ से है बच्चे, तो सोनीपत। सोनीपत ने है ना, कितने देखो दिए हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सन, पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, दीपचंद ब्राह्मण जी हैं। इनके लिए गांव पूछेगा तो ये है बच्चे शेरीखांडा। शेरीखांडा गांव से हैं, कहाँ से हैं, शेरीखांडा, ठीक है। तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद ब्राह्मण है, सोनीपत के शेरीखांडा से। हरियाणा का शेक्सपियर भी इसे कहते हैं। भारत का शेक्सपियर अगर पूछेगा तो वो है बच्चे कालिदास। समझ में आया, भारत का शेक्सपियर कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास तो दीपचंद ब्राह्मण, जो कि सोनीपत के शेरीखांडा गांव से हैं। और जैसे ये है ना बच्चे, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहते हैं, हरियाणा का हेमोलियन नेपोलियन हेमू को कहते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं, ठीक है। और नेपोलियन खुद कहाँ का था, तो फ्रांस का था, है ना। वैसे ही है, भारत का नेपोलियन कालिदास है, और सॉरी भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त है, हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, दीपचंद ब्राह्मण, और भारत का शेक्सपियर कौन है बच्चे, तो कालिदास है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, वो आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए जैसे इतना जानो। हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं, दीपचंद ब्राह्मण को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब हम विधानसभा के बारे में अब हम फिर से पढ़ने वाले हैं। और ये 7 पॉइंट ये हैं, 5 पॉइंट 6 पॉइंट पहले मैंने कराए थे, तो 12-13 हो गए हैं टोटल बच्चे, 40-45 पॉइंट हैं, वो हम ऐसे ही 6-6 7-7 करके हम पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक विधानसभा पे आते हैं बच्चे वापस। तो अब हमें यहाँ से ये पढ़ना है कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस ज़िले में हैं, तो हिसार में है। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हिसार ज़िले में कितनी है, 7 हैं। बताया था ना लास्ट क्लास में कि विधानसभा में टोटल सीटें 90 हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा हरियाणा विधानसभा में पढ़ना है बच्चा। तो कहाँ पर, किस ज़िले में, हरियाणा की स्टील सिटी हिसार के अंदर है, ठीक है। तो कितनी सीट है बच्चे, तो 7 सीट हैं, सातों के सातों हम जान लेते हैं। सबसे पहले उकलाना, उकलाना जो कि खुद में रिजर्व सीट है, ठीक है, बताया था एससी के लिए रिजर्व है, मुनि ने जब परख लिया था उसने परख लिया था, उसे उकलाना थी, स से सडोरा था, ठीक है। तो उकलाना शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। सेकेंड है बच्चे उकलाना के बाद हांसी, जो कि खुद में एक पुलिस जिला है, ठीक है, हांसी पुलिस जिला, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, पुलिस कमिश्नरी कौन सी है, पुलिस जिला कौन सा है, पुलिस रेंज कौन सी है, सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हांसी अपने आप में पुलिस जिला है। तो उकलाना हो गया, हांसी हो गया, एक है बच्चे नारनौंद, एक नारनौल है बच्चे, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, मैंने बताया महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं नारनौल में है ना, नर राष्ट्र में जिसे प्राचीन काल में कहते थे, नारनौंद है। उकलाना मंडी, उकलाना हो गया जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और चौथी खुद अपने आप में कौन सी हो गई बच्चे, हिसार हो गई, हिसार खुद में एक विधानसभा सीट भी है, ठीक है। पांचवा है बच्चे आदमपुर, आदमपुर, ठीक है। सिक्स्थ है बरवाला,
बरवाला, और सेवन्थ है बच्चे नलवा। नलवा तो ये 7 सीटें हैं हिसार के अंदर। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पे है? हिसार के अंदर है बच्चे। यहाँ पे एक चीज़ ये आपको समझनी है, मैंने आपको बताया था कि अब तक कितनी विधानसभा हो चुकी हैं, 14 विधानसभा, 14वीं चल रही है अभी। अभी जो इलेक्शन हुए थे ना 2019 में, ये 14वीं विधानसभा के हुए थे। इलेक्शन हरियाणा में कितनी बार हुए हैं? तो केवल 13 बार। अब कोई बच्चा पूछेगा सर जी 14 बार इलेक्शन क्यों नहीं हुए, आप तो कह रहे हो 14वीं विधानसभा चल रही है। तो बच्चे पहली बार इलेक्शन नहीं हुए थे, वो जो सीएम थे वो मनोनीत कर दिए गए थे 1966 के अंदर, कोई इलेक्शन नहीं हुआ हरियाणा में। इलेक्शन कब हुआ पहला? तो 67 में हुआ था। तो 14वीं विधानसभा चल रही है, 13 खत्म हो चुकी हैं, और 66 में इलेक्शन नहीं हुए थे। तो हरियाणा में कितनी बार अब तक इलेक्शन हुआ है विधानसभा के बच्चे? तो 13 बार इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि 14वीं विधानसभा चल रही है, 66 में चुनाव नहीं हुए थे। तो बच्चे इंपॉर्टेंट बात ये है, आगे मैं स्पीकर गवर्नर ये भी सब कराऊंगा कि हरियाणा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी के लिए नलवा आ गया, तो आप इतनी बात समझ लो कि 14वीं विधानसभा जो भी चल रही है, अभी जो चल रही है ना विधानसभा, 14वीं विधानसभा, इसका जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो कहाँ से ही है? तो हिसार के नलवा से ही है, है ना, सॉरी अध्यक्ष नहीं बच्चे, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेंज कर लेना, माय मिस्टेक। हिंदी में इसको कहते हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जैसे टीम के अंदर एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ठीक वैसे ही एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। और डिप्टी स्पीकर का तो पैनल होता है बच्चे, 3-4 होते हैं इसके अंदर, डिप्टी स्पीकर के पैनल के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ना, वो आपके हिसार के कहाँ से ही हैं? नलवा के, नलवा से ही हैं, ठीक है। कौन सी विधानसभा चल रही है अभी? तो 14वीं विधानसभा चल रही है, और इनका नाम है बच्चे रणबीर गंगवा, रणबीर गंगवा। स्पीकर नहीं है बच्चे, डिप्टी स्पीकर है, उपाध्यक्ष हैं। स्पीकर जानना चाहते हो 14वीं विधानसभा के, तो ये भी जान लो स्पीकर हैं जो आज, वो हैं भाई ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। और ये कहां से हैं बच्चे? तो पंचकुला से है, हरियाणा की नैनो सिटी, जहाँ पे कौन सा गार्डन भी अभी मैंने बताया, पिंजोर गार्डन, यादविंदर गार्डन, जहाँ पे आम मेला लगा है, 29वां आम मेला लगा है 6-7 जुलाई को, ठीक है बच्चे। तो डिप्टी स्पीकर कहाँ से हैं? हरियाणा के हिसार के नलवा से हैं, जिनका नाम है रणबीर गंगवा। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर हो गई? हिसार में। कितनी हो गई? 7 हो गई। सबसे कम की बात कर लेते हैं आप, सबसे कम विधानसभा की सीटें बच्चे 2 हैं, 2 जिलों में हैं, एक तो पंचकुला है, एक चरखी दादरी है, दोनों में 2-2 सीटें हैं। पंचकुला में भी 2 हैं और चरखी दादरी के अंदर भी 2 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। तो सबसे कम, सबसे कम विधानसभा सीट पंचकुला, कितनी सीटें जहां पे? 2, एक तो खुद पंचकुला है और एक क्या है बच्चे, तो कालका है, दोनों है ना, 2 ही सीटें हैं पंचकुला के अंदर, एक पंचकुला और एक कालका है, ठीक है। और दूसरा है बच्चे चरखी दादरी, जिसके अंदर भी 2 ही सीटें हैं, चरखी दादरी में भी 2 ही सीटें हैं बच्चे, एक खुद चरखी दादरी सीडी और सेकंड है बाडडा, ठीक है, 2 ही सीट है, है ना। तो सबसे ज़्यादा सीट बच्चे किसके अंदर बोलोगे? तो हिसार के अंदर कितनी? 7, और सबसे कम पंचकुला में कितनी? 2, चरखी दादरी में भी कितनी? 2 ही विधानसभा सीट है बच्चे। एक पॉइंट मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से जान लो, चंडीगढ़ नाम की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है। कौन सी सीट है? तो लोकसभा सीट है। कौन सी सीट फिर से नहीं है? राज्यसभा सीट नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट है, ये भी सवाल कभी कभार पूछ लेता है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर अगर आपने देखी है तो ये पढ़ा होगा, हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी तहसील कौन सी है, पश्चिमी गांव कौन सा है ना, ये सब हमने पढ़े थे, याद होगा बच्चे। मैंने बताया था हरियाणा का उत्तरी जिला है ना, नॉर्थ, उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है ना। गाँव बताया था शाहपुर है, तहसील भी बताया था, ऐसे ही दक्षिणी जिला है कौन सा? मेवात है, नूह है। तहसील बताया था फिरोजपुर जुर्का है, गाँव बताया था दोहा है, जो कि
कि कतर देश की राजधानी है, यहाँ कतर देश की राजधानी नहीं है, कतर देश है, उसकी राजधानी का नाम दोहा है, ठीक है। फिर मैंने बताया था पूर्वी जिला यमुनानगर है, ठीक है, तहसील कौन सी है तो छछरौली है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी या मोहसिन राम भी कहते हैं, और गाँव कौन सा है तो ताजेवाला है। ठीक वैसे ही ये सवाल ऐसे पूछ लेता है कि विधानसभा में सबसे उत्तरी सीट, विधानसभा की सबसे उत्तरी सीट कौन सी है। मैं जिला या गांव या तहसील की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि विधानसभा की सबसे उत्तरी सीट किस नाम से है। जैसे जो करनाल में रहते हैं उन्हें पता है ना करनाल की सीट आरक्षित कौन सी है, नीलोखेड़ी है। ठीक वैसे ही विधानसभा की जो सबसे उत्तरी सीट है वो पूछ रहा है ना, उत्तरी सीट। तो उत्तरी में, उत्तर में पंचकुला है, तो पंचकुला की ही सीट होगी जो सबसे उत्तरी सीट होगी। क्यों, सही बोल रहे हैं ना, जब उत्तर में जिला ही पंचकुला है हमारा, तो सबसे उत्तरी सीट विधानसभा की भी कौन सी होगी, पंचकुला की ही होगी। ये जरूरी नहीं है कि पंचकुला ही हो, ठीक है। तो सबसे उत्तरी सीट है जो हमारी वो है कालका। विधानसभा की सबसे दक्षिणी पूछेगा फिरोजपुर जिरका, जो कि तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, राजस्थान से। मैंने बताया था ना हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ। कितने किलोमीटर की थी बच्चे, तो 1262 किलोमीटर की थी, वर्ग मत बोलना, ठीक है। और सबसे छोटी किसके साथ थी, तो यमुनानगर उत्तराखंड के साथ थी, है ना, यमुनानगर था हमारा और उनका देहरादून था, 11 किलोमीटर की सीमा थी, ठीक है। तो दक्षिणी फिरोजपुर जिरका हो जाएगा। विधानसभा की अगर सबसे पश्चिमी सीट देखा जाए तो कौन सी है, डबवाली। डबवाली से कौन है भाई, सुनील ग्रोवर साहब, ठीक है, डबवाली से हैं। सबसे उत्तरी हो गई, दक्षिणी हो गई, पश्चिमी हो गई, और सबसे पूर्वी सीट, विधानसभा की सबसे पूर्वी सीट तो किसको कहते हैं, जगाधरी को, है ना। जगाधरी और यमुनानगर, जिसे हरियाणा की कौन सी सिटी भी कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, जुड़वा नगर कहते हैं किसको, जगाधरी को और यमुनानगर को, है ना। यमुनानगर को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, कि हरियाणा का एक नेशनल पार्क भी यहाँ पे है ना, 2003 के अंदर जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, कालेसर नेशनल पार्क है यहाँ पे यमुनानगर के अंदर, पेपर मिल है यहाँ पे, रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है, जगाधरी के अंदर बहुत पुरानी 1900, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, उत्तरी सीट कौन सी है कालका, दक्षिणी सीट कौन सी है तो फिरोजपुर जिरका है बच्चे, पश्चिमी सीट कौन सी है डबवाली, जहाँ से संबंध है किसका, सुनील ग्रोवर साहब का, और पूर्वी सीट कौन सी है तो यमुना नगर की जगाधरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड जो कि पूछे हैं, और काफ़ी सारे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि हरियाणा का सबसे है ना ऊंचाई पे मतदान केंद्र कौन सा है, ये सब हम पढ़ेंगे। दामन है जो कि पंचकुला का, ठीक है, मतदान केंद्र जहाँ पे मतलब वोट डाले जाते हैं। ये जब मैं 14वीं विधानसभा कराऊंगा ना बच्चे डिटेल में, 14वीं विधानसभा तो हमें पूरी डिटेल में पढ़नी है, मंत्री कौन है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, कमेटियों के अध्यक्ष कौन है, ये सब हम देखेंगे। और अभी के लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जान लेते हैं कि विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो विधानसभा पता ही है तुम्हें बच्चे कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर है। तो विधानसभा का डिजाइन भी किसने तैयार किया होगा, ली कार्बूजियर ने किया होगा। देखो चंडीगढ़ से रिलेटेड 90% तक अगर ये पूछे ना कि इसका वास्तुकार कौन है तो ली कार्बूजियर ही आएगा मैक्सिमम। बट एक चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है, इसका वास्तुकार आप कमेंट बॉक्स में लिखना कौन है, ठीक है। मैक्सिमम 90% तक चंडीगढ़ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ली कार्बूजियर ही होने वाला है। ली कार्बूजियर है ना, जो कि कहाँ का था, मैंने बताया फ्रांस का था, ठीक है। तो विधानसभा का जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था, तो ली कार्बूजियर ने किया था, जो कि कहाँ का है, विधान फ्रांस का है, ठीक है। बच्चे जैसे 66 से पहले हमें पता है कि हरियाणा जो है पंजाब का ही हिस्सा था, और 1952 में चंडीगढ़ तैयार हो चुका था सिटी के रूप में, है ना, भारत की पहली मॉडर्न सिटी है, प्लांड सिटी है ना।
तो पंजाब के अंदर उस टाइम पे बच्चे जो विधान भवन था ना, विधान भवन वो बाईकैमरल था। बाईकैमरल मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि जिसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो पंजाब में पहले विधानसभा भी थी बच्चे और विधान परिषद भी थी, विधान परिषद। तो जब हरियाणा बना ना 1966 के अंदर, तो ये वाली जो बिल्डिंग थी उस टाइम पे, अलग अलग बिल्डिंग थी, ये अलग थी, ये बिल्डिंग अलग थी, विधानसभा की अलग थी, विधान परिषद की अलग बिल्डिंग थी। तो ये जो विधान परिषद वाली बिल्डिंग थी पंजाब की, ये हरियाणा को दी गई थी किसके रूप में, हरियाणा की यहाँ पे कौन बैठती थी, विधानसभा। ठीक है, ये कॉमन सी ही बिल्डिंग है। अगर आप वहाँ पे जाओगे चंडीगढ़ के अंदर तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी पंजाब के अंदर, दोनों की अलग अलग बिल्डिंग थी। और जो विधानसभा थी वो पंजाब के पास ही रही, और जो विधान परिषद वाली जो बिल्डिंग थी वो हरियाणा को दी गई किसके रूप में, विधानसभा के रूप में। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा अभी भी वहीं पर चलती है। और उस टाइम पर जो पंजाब था, पंजाब का जो लेजिस्लेचर था, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल जो था वो बाई कैमरल था, दो सदनों वाला था। आज पंजाब का लेजिस्लेचर कैसा है, विधानमंडल कैसा है, तो यूनी कैमरल है, केवल एक ही सदन है, विधानसभा ही है ना। तो याद रखना उस टाइम पे जो विधान परिषद था पंजाब का, वही बिल्डिंग हरियाणा को दी गई किसके रूप में, विधानसभा के रूप में दी गई। और एक सवाल ये भी पूछा गया है कि विधानसभा का, हरियाणा का जो विधानसभा है उसका जो मेन एंट्रेंस गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट मतलब जहाँ से एंटर करते हैं, प्रवेश द्वार, या भी ये भी ऐसे भी पूछ सकता है हिंदी में, मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, ये जो है इसका एरिया है बच्चे 25 स्क्वायर फीट। ये किसने गिफ्ट किया था, तो ये हरियाणा सरकार को गिफ्ट किया था भाई, फ्रांस सरकार ने गिफ्ट किया था। ये सवाल पूछा गया है, फ्रांस सरकार द्वारा उपहार में दिया गया था बच्चे, उपहार। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे पूछेगा कि विधानसभा का मेन एंट्रेंस गेट मतलब मुख्य प्रवेश द्वार किसने गिफ्ट में दिया था, तो फ्रांस सरकार द्वारा उपहार में दिया गया था। और ये भी डिजाइन किसने किया होगा बच्चे, तो वही फिर से कौन, ली कार्बूजियर। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट मुख्य बातें थी, किससे रिलेटेड थी बच्चे, विधानसभा से रिलेटेड थी। तो बहुत डिटेल में हमने जाना है, अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, लोकसभा में हरियाणा से कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं संसद के बारे में, अब जानेंगे कि संसद के अंदर हरियाणा में, हरियाणा से लोकसभा में कितने मेंबर भेजे जाते हैं, कितने मेंबर हैं जो जाते हैं, और कितने विधान राज्यसभा के अंदर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं, है ना। सबसे पहले बच्चे मैंने बताया था, एक तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एक राज्य विधानमंडल होता है जिसके तीन भाग होते हैं, एक तो विधानसभा है, एक विधान परिषद है, और एक राज्यपाल है ना। ठीक वैसे ही एक संसद होता है, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। संसद के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, एक आता है राष्ट्रपति। देखो ज़्यादा डिटेल में तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये राष्ट्रपति तो अपने आप में ही कम से कम 10 से 12 से 15 घंटे का एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लोकसभा भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, राज्यसभा भी बहुत बड़ा टॉपिक है। थोड़ा सा सिर्फ इतने बारे में जान लो कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन इसके अंग होते हैं। ठीक है, जिसे लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। जैसे हमने जाना था ना बच्चे कि राज्य विधानमंडल होता है, पता होगा पिछली वीडियो में, राज्य विधानमंडल होता है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, जाना था हमें विधानसभा, विधान परिषद, वीपी से रिनोट कर रहा हूं, और तीसरी चीज थी बच्चे राज्यपाल था। ठीक है, ये तीन चीजें आते हैं। ठीक वैसे संसद में ये तीन चीजें आती हैं। इसके हमने आर्टिकल की बात की थी बच्चे, 168 से 212 है, 213 आर्टिकल मैंने बताया था किससे रिलेटेड है, अध्यादेश से रिलेटेड है ना, अध्यादेश जो कि राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, और 214 से लेकर के, है ना, इसके बाद जो अगले आर्टिकल थे 214 से लेकर के 231 तक, वो किससे रिलेटेड थे बच्चे, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, ठीक वैसे ही संसद भी किसी ना किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल हैं बच्चे आपके 79 से लेकर के 79 से लेकर के 122, ये किस पार्ट में थी संविधान के, पार्ट 6 में थी, और ये है आपके पार्ट
5 के अंदर है। क्या? लोकसभा, है ना, संसद, सॉरी संसद आपका 79 से लेकर के 122 आर्टिकल में है, और भाग किस में है, तो 5 में है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा देखो 104वां संशोधन हुआ जिसने एंग्लो इंडियन को आगे नहीं बढ़ाया, खत्म कर दिया, या मैं ये भी बोल सकता हूं। तो जब वो खत्म नहीं था तो उस टाइम पे हम ये बोलते थे कि मैक्सिमम सीट लोकसभा में कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, ठीक है, 550 पे चुनाव होता है और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। बट अब नॉमिनेटेड नहीं है तो अब लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, अधिकतम सीट कितनी है, तो 550 है। अब कोई बच्चा बोलेगा जी मैंने तो 545 सुना था। बच्चे ज्यादा संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552। 2 एंग्लो इंडियन अब नहीं रहे तो अब कितनी बोलेंगे, 550। तो अधिकतम सीट अब लोकसभा में कितनी है, 550 है, जिसमें से क्या है 543 सीट पर क्या होता है, चुनाव होता है बच्चे, चुनाव, और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड थे, तो अब हम वो हटा देते हैं क्योंकि वो अब नहीं रहे। तो लोकसभा में अब कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो 543 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है। तो पहली लोकसभा जो थी उसके चुनाव जो कब शुरू हुई थी, फर्स्ट लोकसभा, तो पहली लोकसभा आई थी बच्चे 1952 से लेकर 1957 तक ये चली थी, फर्स्ट लोकसभा, पहली लोकसभा, है ना, फर्स्ट। थोड़ा सा मैं लोकसभा के बारे में आपको बता रहा हूं। और पहली लोकसभा के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, स्पीकर, उनका नाम था जीवी मावलंकर, जिसको हिंदी में कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर कहते हैं, ठीक है। ये पहली लोकसभा थी जिसके स्पीकर ये थे, अध्यक्ष ये थे। आज जो लोकसभा चल रही है ना, जिसके चुनाव 2017 में हुए हैं, वो आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है। मतलब 17 बार लोकसभा के इलेक्शन भारत में हो चुके हैं। हरियाणा में कौन सी चल रही है, 14वीं है, पर चुनाव कितनी बार हुए हैं, 13 बार, क्योंकि पहली विधानसभा जो थी हरियाणा की वो है ना नॉमिनेटेड थी, नामांकित थी, उसके लिए चुनाव नहीं हुए थे। 13 बार हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, पर हरियाणा में लोकसभा के चुनाव नहीं होते, हरियाणा में किसके चुनाव होते हैं, विधानसभा के, ठीक है। और लोकसभा के चुनाव तो पूरे इंडिया में ही होते हैं बच्चे, ठीक है। तो पहले स्पीकर थे कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके स्पीकर कौन है बच्चे, ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला। थोड़ा सा ये हमने जान लिया पॉलिटी के माध्यम से कि संसद पार्ट 5 में है, भाग 5 में है, और राज्य विधानमंडल भाग 6 में है। अधिकतम सीट पहले हम 552 बोलते थे, परंतु अब 552 ही बोलेंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, तो 550। चुनाव अब कितनी सीटों पर होता है, 543। और पहले लोकसभा 1952 से 1957 है ना, और स्पीकर कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं, जिसके स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ये 17वीं लोकसभा का मतलब क्या है कि अब तक देश में लोकसभा के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं बच्चे, तो 17 बार हो चुके हैं, ठीक है। मुद्दे की बात पे अब आते हैं, जो कि आप बोल रहे होंगे कि सर हरियाणा से कितनी सीटें, तो हरियाणा से लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो है बच्चे केवल 10। सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगी, सोच के बताओ, बोलो सुनाई दे रहा है मेरे को, कहाँ होगी, यूपी के अंदर होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कितनी सीटें हैं कमेंट बॉक्स में चिपका दो अभी इसी टाइम, ठीक है। चल तो हरियाणा से लोकसभा में कितनी सीटें हैं बच्चे, 10 सीट हैं, और इसमें आरक्षित हैं कितनी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हरियाणा में कोई भी सीट फिक्स नहीं है, क्योंकि हरियाणा में है ही नहीं है ना। तो कितनी सीटें हैं हरियाणा से आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए, 2। कौन कौन सी हैं बच्चे, एक तो है आपकी अंबाला और एक है आपकी सिरसा। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, याद रख लो, मेरा प्रणाम अंबा सरस्वती को, अंबा सरस्वती को, अंब से अंबाला
और सरस्वती से क्या आ जाएगा बच्चे, तो सिरसा आ जाएगा। ठीक है, ये दो सीटें आरक्षित हैं। कहाँ पे आरक्षित हैं? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में लोकसभा से कितने मेंबर हैं? तो 10 मेंबर हैं। और कितनी सीटें आरक्षित हैं बच्चे? तो 2 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा में लोकसभा से, और कौन सी है? अंबाला और सिरसा है भाई। लोकसभा के अंदर हरियाणा से 3 मंत्री भी हैं भाई, ठीक है, 3 मिनिस्टर हैं। मोदी साहब का जो मंत्रिमंडल है ना, उसके अंदर 3 लोग हरियाणा से हैं। राव इंद्रजीत हैं, ठीक है, पहले राव इंद्रजीत हैं, सेकंड है रतनलाल कटारिया, और एक हैं कृष्णपाल गुज्जर जी हैं। ये 3 मेंबर लोकसभा के अंदर मोदी साहब के मंत्रिमंडल के अंदर कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं, हरियाणा से लोकसभा चुनाव के अंदर जो चुने गए हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं राव इंद्रजीत, तो मोदी साहब के केंद्र के मंत्रिमंडल में है ना, मोदी साहब के मंत्रिमंडल में 3 मंत्री जो हैं वो कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। पहले राव इंद्रजीत, इंद्रजीत भाई, ये जो राव इंद्रजीत है ना, ये हरियाणा के दूसरे सीएम जिनका नाम था राव बिरेंद्र सिंह, जिनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, उनके बेटे हैं राव इंद्रजीत साहब। ठीक है, राव इंद्रजीत, ये पूछा गया सवाल है, राव इंद्रजीत किसके बेटे हैं? तो राव बिरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो कि हरियाणा के प्रथम निर्वाचित सीएम हैं और हरियाणा के दूसरे सीएम भी यही हैं। हरियाणा के स्पीकर भी बने थे भाई राव बिरेंद्र सिंह, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो राव इंद्रजीत किसके बेटे हैं? तो राव बिरेंद्र है ना, राव बिरेंद्र सिंह के बेटे हैं ना। तो कहाँ से हैं बच्चे ये? तो गुरुग्राम, गुरुग्राम से हैं। और इनके पास मंत्रालय कौन सा है, तो ये भी पूछ लेता है, तो याद रखना इनके पास मंत्रालय है बच्चे संख्याकी मंत्रालय, संख्याकी मंत्रालय, इंग्लिश में जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट मैं लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट संख्याकी मंत्रालय है इनके पास। किसके पास? राव इंद्रजीत के पास। किसके बेटे हैं? तो राव बिरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं। ठीक है, अगला है भाई रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया साहब जो हैं भाई, ये मंत्री हैं, कहां से हैं? तो अंबाला से हैं, अंबाला। और मंत्रालय कौन सा है भैया इनके पास? जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो अंबाला कैसी सीट है लोकसभा की? तो आरक्षित सीट है। ठीक है, रतनलाल कटारिया के पास मंत्रालय कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय है ना। आगे है भाई थर्ड जो मंत्री हैं, राव इंद्रजीत हो गए, रतनलाल कटारिया हो गए, तीसरे हैं कृष्णपाल गुज्जर, कृष्णपाल गुर्जर, कवरपाल गुर्जर मर याद रखना बच्चे, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। ठीक है, कृष्णपाल गुर्जर ये कहाँ से मंत्री हैं, कौन सी सीट से हैं? तो फरीदाबाद। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इंग्लिश में कहते हैं बच्चे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हिंदी में हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। तो हरियाणा से मोदी साहब के कैबिनेट के अंदर कितने मंत्री? 3। कौन कौन से? राव इंद्रजीत जो कि किसके बेटे? राव बिरेंद्र सिंह के बेटे, जो कि हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम थे। और कहाँ से हैं? तो गुरुग्राम से हैं। कौन सा मंत्रालय? तो संख्याकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेकंड है रतनलाल कटारिया जो कि अंबाला से हैं, ठीक है, जिसे मिक्सी सिटी भी कहते हैं ना हरियाणा की। तो कहाँ है, कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय है। और तीसरे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, किसके पास है? तो कृष्णपाल गुज्जर जी के पास है, फरीदाबाद है ना। तो लोकसभा में कितनी सीटें हरियाणा से? 10। आरक्षित कितनी? 2। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। मेरा प्रणाम देवी
अंबा और सरस्वती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बच्चे कि जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि इसके अंदर वोटर कौन होते हैं ना, आप और हम लोग होते हैं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैसा इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। क्यों है प्रत्यक्ष चुनाव? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसको कौन चुनते हैं? सीधे डायरेक्ट इसको चुनने के लिए कौन वोट डालते हैं? पीपल, लोग डालते हैं ना, हम लोग ही इनको चुनते हैं। किसके सदस्य हैं वो? लोकसभा के। अभी जो हम राज्यसभा पढ़ेंगे ना बच्चे, राज्यसभा, इसका चुनाव जो होता है ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, इंग्लिश में इसको कहते हैं। यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों को आप और मैं नहीं चुनते, इनको स्टेट के एमएलए चुन के भेजते हैं। पहले हम एमएलए को चुनते हैं, फिर एमएलए किसके सदस्यों को चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है ना, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ये कैसा चुनाव होता है बच्चे? अप्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है, विधान परिषद, बताया था ना 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इसका चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो सिंपल सी एक बात याद रखना, प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिसको आप और मैं चुन रहे हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष कौन है? जिसको हम नहीं चुन रहे, कोई और चुन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राज्यसभा की बात हम कर रहे थे, तो राज्यसभा का चुनाव कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम सीट जैसे हमने लोकसभा में जाना था कितनी हो सकती है? 550। चुनाव कितने पे होते हैं? 543 पे। ठीक वैसे ही राज्यसभा में मैक्सिमम सीट होती है 250। ठीक है, और अभी के लिए कितनी है? 245, जिसमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 जो हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड, नामांकित। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, मनोनीत या नामांकित इनको कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो रहे थे, यहाँ एंग्लो इंडियन नहीं है बच्चे। ये जो 12 नॉमिनेट होते हैं ना, इनको भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसको करता है? ऐसे लोगों को करता है जो कि इन फील्ड में महारत हासिल है, जिनको इन फील्ड में काफी अच्छा ज्ञान है। किस फील्ड में? कला, साहित्य, विज्ञान और चौथा है समाज सेवा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि राज्यसभा से सांसद थे, कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। भाई सचिन तेंदुलकर ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा था, सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट किए गए थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उनके पास कला थी, खेलना, क्रिकेट, ये भी तो क्या है? कला ही है ना। तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। कितने पे चुनाव कितने हैं आज? कितने मैक्सिमम? 245, 233 इलेक्शन आता है। और कैसा इलेक्शन है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, जिसमें से 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। हमने जाना था पहली लोकसभा के जो स्पीकर थे ना बच्चे, वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आज कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ज़्यादा डिटेल में आप लोकसभा राज्यसभा पॉलिटी में जानोगे, मैं इतनी डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे। वैसे ही हरियाणा, ये जो राज्यसभा है इसका चेयरमैन होता है बच्चे, जिसे हम सभापति कहते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के पहले जो सभापति थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राधाकृष्णन। ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना बच्चे, वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। आज जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं आपको पता है कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। तो वही राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। जो भारत का उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का क्या? सभापति होगा। ठीक है, सभापति के लिए चुनाव नहीं होता बच्चे। जो उपराष्ट्रपति बन गया वो राज्यसभा का क्या बनेगा? सभापति बनेगा। तो मतलब यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। याद है मैंने बताया था कि जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। यही आगे जाकर के क्या बनते हैं बच्चे?
भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है। और इन्हीं के जन्म पे मैंने बार बार बताया कि भारत में क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। भारत रत्न भी इनको मिला था, फर्स्ट टाइम भारत रत्न 1952 में मिला था, और 3 लोगों को मिला था जिसमें से एक बच्चे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 3 लोगों को सबसे पहले 1952 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, मैंने बताया ना भारत रत्न सबसे ऊपर है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। सबसे बड़ा देश का नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। सबसे पहले भारत रत्न 1952 में मिला था और 3 लोगों को मिला था। एक तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। रमन इफेक्ट आता है ना बच्चे, फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट आता है, तो स्केटरिंग ऑफ लाइट जिसे रमन स्केटरिंग भी कहते हैं, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इनको मिला था, सीवी रमन को मिला था, राधाकृष्णन जी को मिला था, और तीसरे थे बच्चे सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, जो कि गवर्नर जनरल बने थे आज़ादी के बाद, है ना। भारत के भार एकमात्र भारतीय जो क्या बने थे, गवर्नर जनरल, कौन थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। तो मेरी बात समझ में आई ना बच्चे, क्या राज्यसभा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, आज कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू हैं। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, भारत का जो उपराष्ट्रपति बन गया वो राज्यसभा का सभापति भी बनेगा। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा के देश के राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और इनको भारत रत्न भी मिला। सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला, कब मिला? 1952 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन और सी राजगोपालाचारी। भी रमन साहब को आप आगे पढ़ोगे, इनको नोबल प्राइज़ भी पड़ा बच्चे, नोबल प्राइज़ भी इनको मिला है। किसको मिला है? सी वी रमन को मिला है। कब मिला था? तो 1930 के अंदर इनको सी वी नोबल प्राइज़ भी मिला था बच्चे। किसको? सी वी रमन को, ठीक है। एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको साइंस फील्ड से, विज्ञान क्षेत्र से क्या मिला है? नोबल प्राइज़ मिला है, ठीक है। भारत के जो एक सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था, वो था भाई श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा क्या भी लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा है, नेशनल एंथम लिखा, जनगणमन अधिनायक जय है ना। हालांकि इसके लिए कंट्रोवर्सी भी होती है भाई, कि उस टाइम पे जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली के अंदर, उनके स्वागत में ये गाया गया था, ठीक है। जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उनके स्वागत में जनगणमन गाया गया था। और किसने लिखा है बच्चे जनगणमन? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय हैं जिनको क्या मिला है, सी वी रमन मिला है। बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में किस सवाल का जवाब भी देना है कि कितने भारतीय हैं टोटल जिनको नोबल प्राइज़ मिला है अभी तक, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा है, हमारा राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गान। एक राष्ट्रीय गीत भी है बच्चे, जिसको इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहते हैं, पता है ना। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देखो थोड़ा ज्ञान हम ले रहे हैं तो मैं सारी चीज़ें, यहाँ से कोई भी सवाल बन सकता है बच्चे, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है पर बात को समझना, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी इतना करा के बच्चे खत्म कर सकता था। लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं। ये पता नहीं कितने यूट्यूब चैनलों पर ये भरा पड़ा है बच्चे, ठीक है। मैं तो ये देखता हूँ, जब YouTube पे हम भी देख लेते हैं खोल के, कोई भी ऐसे ही कोई मुंह उठा के हरियाणा जी के पढ़ा रहा है, जिसे 2-4 बातें रटी हुई हैं, शहीदों का शहर झज्जर, वीरों की नगरी रेवाड़ी, और वो हरियाणा जी के करा रहा है, और बच्चे बड़े आराम से उस पर पढ़ रहे हैं, बड़े खुश हैं इतनी चीज़ें पढ़ के कि हाँ। फिर वही बच्चे बोलते हैं बाद में आके कि सर जी सलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरा ज्ञान तो लेते नहीं। बच्चे सवाल तो कहीं से भी बन सकता है ना। एक अच्छा टीचर वही है कि जो एक टॉपिक कराए उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे उसमें शामिल कर दे। नहीं तो मैं भी ऐसे करवा सकता हूँ बच्चे आपको, मुझे पता है ना बच्चों को किस में मज़ा आता है भाई। 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले, ठीक है, मुझे पता है बच्चे किस चीज़ में मज़ा लेते हैं। ये बस उनको इतना बता दो कि लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं, 2 आरक्षित हैं, अम्बाला और सिरसा, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। बच्चे ये सवाल तो ऐसे भी बन सकते हैं ना कि सी वी रमन को नोबल प्राइज़ कब मिला, फिर क्या कर लोगे तुम बताओ? 1930 में नोबल। तो वही है, ज्ञान लो तो पूरा ज्ञान लो। लिटिल नॉलेज इलॉजिबल इज ऑलवेज अ डेंजरस नॉलेज, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है बच्चे। वो ना तो आपको कुछ सीखने देता, वो आपको ये एहसास दिलाता रहता है कि आपको बड़ा आता है, बड़ा आता है, बड़ा आता है, पर आता कुछ नहीं होता।
समझ रहे हो। तो जब भी ज्ञान लो बच्चे, पूरा ज्ञान लो। अब इतना तो मैं करा के अब तक कब की वीडियो खत्म हो जाती, मेरे लिए दो मिनट का काम था कि राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की 10, बात खत्म हो जाती। बट सवाल तो कहीं से भी बन सकता है ना, क्या ये सवाल नहीं बन सकता कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? नहीं बन सकता क्या? ये सवाल नहीं बन सकता कि पंजाब हरियाणा, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, बताओ? तो ये जो कुछ बच्चे ठीक है बोलते हैं ना, ऐसा कमेंट करते हैं या कुछ मुझे पर्सनल भेजते हैं कि सर जी पता नहीं आप तो कितना डिटेल में करा रहे हो। बच्चे मैं करा रहा हूँ तो इसी वजह से करा रहा हूँ क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब ये सीधे सीधे से सवाल नहीं पूछता जो आज से 5-7 साल पहले पूछता था, अब सवाल घुमा के कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अब बच्चे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पढ़ते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या पढ़ेंगे ढंग से? उसमें एक सवाल उसने ये भी पूछा हुआ था जो पीछे क्लर्क का पेपर हुआ था पीछे, कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो जज है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, समझ रहे हो? तो कभी भी ज्ञान लो तो पूरा ज्ञान लो, ठीक है। एक सवाल उसने अभी पूछा हुआ था सब इंस्पेक्टर के पेपर में, सीरिया देश की राजधानी क्या है, ठीक है ना बच्चे। तो मैं जो भी सिखा रहा हूँ ये मैं कोई ठीक है कचरा थोड़ी सिखा रहे हैं यार तुम्हें कि जो फालतू ही है, जो बिल्कुल फालतू है, ऐसा नहीं है। काम की चीजें हैं, सवाल कहीं से भी बन सकता है। क्या ये सवाल नहीं बन सकता मुझे बताओ कि पहला भारत रत्न किनको मिला था? क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ठीक है ना। तो इत्मीनान से पढ़ा करो, मुझ पर भरोसा रखो, जो भी चीज़ें करा रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, पेपर मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कल का कोई खड़ा हुआ एक बच्चा हूँ जो परसों जिसने सीखी 2-4 चीज़ें और आज आपको पढ़ाने लग गया, ठीक है। लंबा अनुभव है भाई, इस बात को आप समझो। तो नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूँ, है ना, एक होता है नेशनल सॉन्ग, एक होता है नेशनल एंथम, है ना। नेशनल एंथम को कहते हैं हम राष्ट्रीय गान कहते हैं हिंदी के अंदर, और ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत। तो हमारा राष्ट्रीय गान तो कौन सा है बच्चे, जनगणमन अधिनायक जय है, जिसने किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, है ना, जो कि किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बाकी आप हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे कि पहली बार कब गाया गया, ठीक है, और कांग्रेस की कौन सी मीटिंग में गाया गया, ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, आप वो उसमें पढ़ोगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना मिटा हूँ, मूविंग फर्दर। तो राज्यसभा के अंदर हरियाणा से कितनी सीटें हैं बच्चे, तो हरियाणा से 5 सीटें हैं किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर 5 सीटें किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। अब इसमें कोई आरक्षित सीट नहीं होती बच्चे, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। बस इसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको नामांकित करता है आपका, कौन करता है बच्चे, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। 12 सदस्य नामांकित करेगा, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। तो ये सारी बातें हमने जानी, ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड थी और राज्यसभा से रिलेटेड थी। बच्चे एक चीज और थोड़ी सी जाननी है आपको, वो ये है कि जैसा मैंने बताया था पहले भी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष है, विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक वैसे ही लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष है बच्चे, 30 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चे, तो 5 साल होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। अभी मैंने बताया था कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है। राज्यसभा मैंने नहीं बताया कौन सी चल रही है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी पूरी की पूरी भंग नहीं होती। आपने पढ़ा होगा ना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, डिसॉल्व, इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा, लोकसभा को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा भंग नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा के अंदर 5 साल के बाद हर एक मेंबर, जितने भी सदस्य हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं है बच्चे। राज्यसभा का
कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, बच्चे कुछ कहते हैं कि जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, बच्चे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना, सदस्य है, मेंबर, उनका कार्यकाल है कितने वर्ष, 6 वर्ष। जैसे मान लो एक मेंबर 2020 में बन गया बच्चे, तो ये रिटायर होगा कब जाके रिटायर होगा, 2026 में जाके रिटायर होगा बच्चे। एक मेंबर बना मान लो 2021 के अंदर, ये रिटायर होगा कब, 2027 के अंदर। लोकसभा में खेल क्या है, अभी तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। देखो लोकसभा में खेल क्या है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, 17वीं लोकसभा का, बच्चे जो भी मेंबर बने हैं ना 2019 में, वो 2024 में जाके क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे आपके 2024 में जाके, एक फ्रेश इलेक्शन होगा 5 साल बाद। बट यहाँ जो 2020 में बन रहा है वो 2026 में रिटायर होगा, 2021 में बन रहा है 2027 में रिटायर होगा, 2023 में अगर कोई मेंबर बना तो वो कब रिटायर होगा बच्चे, 2029 में। मुझे सब पता है, लोकसभा राज्यसभा में पॉलिटी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ, आगे पढ़ाएंगे भी, ठीक है, तो है ना, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ राज्यसभा के रिलेटेड ये भी है कि इसके एक तिहाई मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, किसके, राज्यसभा के एक तिहाई मेंबर, 1/3 मेंबर, 1/3 का मतलब क्या है, जैसे राज्यसभा में मान लो 30 ही मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हर कितने साल बाद रिटायर होते हैं बच्चे, 2 साल बाद रिटायर होते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि शुरू शुरू में रिटायर कैसे हुए होंगे, है ना। एक बच्चे ने सवाल मेरे से पूछा था जब मैं पॉलिटी एक दिन पढ़ा रहा था, उसने ये सवाल पूछा कि सर जैसे राज्यसभा 1952 में हुई, 1952 के अंदर बनी थी, ठीक है, पहली राज्यसभा, लोकसभा भी पहली 1952 में, है ना, तो उसने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर आप बोल रहे हो कि 2 साल बाद एक तिहाई मेंबर रिटायर हो जाते हैं, और मेंबर का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है, समझ रहे मेरी बात, कि हर 2 साल बाद एक तिहाई मेंबर रिटायर होते हैं, और मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो 1954 में सर कौन रिटायर हुआ होगा और कैसे रिटायर हुआ होगा, क्योंकि कार्यकाल तो 6 वर्ष है। यही तो बात आपको जाननी है, किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर जाननी है बच्चे, पॉलिटी के अंदर ही सिखाऊंगा, अभी के लिए इसको होल्ड ऑन पर रख रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये सारी बातें थी लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड थी, तो याद रखना, काफ़ी मैंने इंटरेस्टिंग बातें भी आपको बताई कि भारत का पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, जिन्होंने हमारा क्या लिखा था बच्चे, राष्ट्रीय गान लिखा था, नेशनल एंथम लिखा था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चलो एक लास्ट, बाकी ज़्यादा तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। बांग्लादेश देश है ना बच्चे, बांग्लादेश, उसका जो राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है, सॉरी नेशनल एंथम जो है, वो भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। बकायदा ये अच्छे से ऐसी ने सवाल पूछा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, तो 2 देशों के लिखे हैं बच्चे, इंडिया का, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, सॉरी बांग्लादेश का, है ना। बांग्लादेश कब बना था, तो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान को हमने अलग देश ही बना दिया, ठीक है, क्या नाम, बांग्लादेश, 1971 के अंदर, ठीक है, भारत ने ही बनवाया था, ये अटैक किया था भाई, 1971 का जो युद्ध है 1971 का। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ना बच्चे, वो भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, नेशनल एंथम किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा कौन सा, जनगण मन अधिनायक जय है, इनका कौन सा है, अमर या आमर सोनार बांग्ला, आमर सुनार बांग्ला, है ना, माई, इंग्लिश में बोलते हैं माई गोल्डन बंगाल, बांग्ला भाषा के अंदर है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम जान लेते हैं, बस फिर आज की वीडियो समाप्त है। क्या है, फर्स्ट, हरियाणा की पहली महिला सांसद, सांसद, अच्छा एक चीज़ याद रखना बच्चे, लोकसभा का सदस्य हो उसको भी सांसद कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य हो उसको भी सांसद कहते हैं, क्योंकि दोनों किसका ही हिस्सा है, पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, संसद का ही हिस्सा है, लोकसभा का सदस्य भी सांसद है, राज्यसभा का सदस्य भी सांसद है। ये सवाल पूछा गया कि हरियाणा से पहली महिला सांसद कौन थी, तो हरियाणा की जो पहली महिला सांसद है ना बच्चे, वो है चंद्रावती, चंद्रावती, ठीक है, तो हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है, चंद्रावती है, फर्स्ट
फीमेल एमपी है, पहली महिला सांसद है, और कब बनी थी ये? 1977 में। और जलजला आया था उस टाइम पे भी। जलजला कैसे आया था? इन्होंने हराया था, किसको हराया था? बंसीलाल जी को। और उन्हीं के गढ़ से हराया, कहां से? भिवानी से। बहुत बड़ी बात थी बच्चे उस टाइम की, ठीक है। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती कब बनी? 1977 में। सांसद कौन है? लोकसभा का सदस्य भी सांसद है बच्चे, राज्यसभा का सदस्य भी सांसद है। और कहां से, किसको हराया था? तो ये है ना, बड़ा उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी बच्चे, एक महिला ने बंसीलाल जो कि हरियाणा के धुरंधर माने जाते थे, उनको हराया था। और उन्हीं के गढ़ से हराया था। कहां से हराया था? भिवानी, है ना। बंसीलाल जी केंद्र में आ गए थे ना बच्चे 1975 के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे जब हम हरियाणा के सीएम पढ़ेंगे, सारे के सारे दस, जो 10 सीएम हुए ना हरियाणा के, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो बंसीलाल जी 1975 में केंद्र में चले गए थे, सेंटर में चले गए थे। और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दी थी? एमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, नेशनल एमरजेंसी लगा दी थी 1975 के अंदर। और 1977 तक एमरजेंसी रही थी भाई, और बहुत अत्याचार हुआ था उस टाइम पे। और 1977 में फिर सरकार आई थी, किसकी सरकार आई थी? जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, किसने लड़ा था? चंद्रावती ने लड़ा था, ठीक है भाई। एमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने 1975 के अंदर, है ना। तो 1977 में चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद है, ठीक है। सेकंड है बच्चे हिसार से पहली महिला एमएलए। एमएलए किसके मेंबर को बोलते हैं बच्चे? एमएलए विधानसभा के मेंबर हैं, और एमपी, एमपी किसके मेंबर हैं? लोकसभा के, और किसके भी? राज्यसभा के भी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। तो ये थी बच्चे स्नेहलता, स्नेहलता, ठीक है। तो हिसार से पहली महिला एमएलए जो हैं ये स्नेहलता जी हैं। और कब बनी थी ये? 1967 में, ठीक है। कुछ टीचर्स ने गलत पढ़ा रखा है ऐसे कि हरियाणा की पहली महिला एमएलए, हरियाणा की नहीं बच्चे, हिसार से पहली महिला एमएलए है, कौन है? स्नेहलता है। मैंने बताया था ना 1967 में पहले चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, उस टाइम बच्चे चार महिलाएं चुन के आई थी, चार महिलाएं चुन के आई थी। और हिसार से जो महिला चुन के आई थी उसका नाम था स्नेहलता, ठीक है। स्नेहलता जी पहली महिला एमएलए हैं, और कहाँ से हैं? हिसार से हैं भाई, ठीक है। इनकी अभी डेथ भी हुई है बच्चे, पिछले साल डेथ हुई है मार्च 2019 के अंदर, किनकी? स्नेहलता जी की डेथ हुई है, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती, बंसीलाल जी को हराया भिवानी सीट से, ठीक है। जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी, मैंने बताया कि देश में एमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने 1975 से 1977, इसमें देश में बड़ा आक्रोश था और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी भाई। हालांकि वो बात अलग है कि 1980 में फिर से कांग्रेस आ गई थी। और इंदिरा गांधी ने जो एमरजेंसी लगाई थी ना बच्चे, ये भी थोड़ा सा चलो जान लेना, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, नेशनल एमरजेंसी इसको हिंदी में कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो आपातकाल लगाया था 1975 से 1977 के तक चला था, ये किस आधार पर चला था? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब जो नेशनल एमरजेंसी है ना बच्चे, वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लग सकती, वो तीन आधार पर लगती है, या तो युद्ध, या बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह, इसी आधार पे अब एमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। चलो इसको ज़्यादा डिटेल में आप पॉलिटिक में पढ़ोगे। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद बच्चे चंद्रावती 1977 में बनी है, बंसीलाल को हराया भिवानी। और ये जो है ना बच्चे, ये आगे जाके पुदुचेरी, जिसका नाम पहले पांडेचेरी था, इसकी उपराज्यपाल भी बनती है, उपराज्यपाल। बच्चे जो स्टेट हैं वहाँ पे राज्यपाल होता है, और जो यूटी है ना, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, और जम्मू कश्मीर है, इनके अंदर जो विधानसभा है, यहाँ जो बोलते हैं इसको हम राज्यपाल नहीं बोलते, यहाँ हम क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल बोलते हैं। और इंग्लिश में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये कब बनी थी पुदुचेरी की गवर्नर? तो 1990 में चंद्रावती जी बनी थी, ठीक है, पुदुचेरी की उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी। कब बनी थी? 1990। ये सवाल HSSC ने ऐसे भी पूछा था कि हरियाणा में जन्मी पहली महिला गवर्नर कौन सी है, पहली महिला उपराज्यपाल, क्या हरियाणा में जन्मी पहली फर्स्ट
महिला उपराज्यपाल, ठीक है, तो कौन है, क्या नाम है, तो चंद्रावती है। कहाँ की बनी थी, तो पुदुचेरी की बनी थी। तो याद रहेगा बच्चे, हिसार से पहली महिला एमएलए कौन है, स्नेहलता जी हैं। 1967 मार्च 2019 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, ठीक है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है बच्चे, स्लैम पीसीएम या स्लैम पीसीएम, पीसीएम स्लैम, ठीक है। इससे कैसे याद रख सकते हो, लोकसभा की जो जो विधानसभा है उनके मेंबर को क्या कहते हैं बच्चे, एमएलए कहते हैं, एमएलए। तो एमएलए कौन है, स्नेहलता जी हैं। एस से क्या बनेगा, स्नेहलता, तो एमएलए स्नेहलता जी हैं। और एमपी, एमपी कौन है बच्चे, तो सी से क्या है, चंद्रावती, एमपी चंद्रावती हैं। और एमएलए कौन है, तो स्नेहलता जी हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, पीसीएम सलाम, या तो क्या ऐसे कुछ बना लो कि पीसीएम, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसीएम पढ़ने वालों को हमें क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, ठीक है। तो पीसीएम मतलब एमपी, एमपी कौन है, चंद्रावती, एमएलए कौन है, स्नेहलता जी हैं, ठीक है, जो कि चंद्रावती आगे जाके क्या भी बनती है, पुदुचेरी की उपराज्यपाल 1990, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट और जानना है बच्चे, इसको मैं बता रहा हूँ, चलिए चलिए बच्चे, लास्ट पॉइंट एक ये है कि हरियाणा से, हरियाणा ने पार्लियामेंट के अंदर केवल 6 महिलाएं ही आज तक भेजी हैं बच्चे, 6 महिलाएं ही हरियाणा से सांसद बनी है। सांसद किसके सदस्य को बोलते हैं बताओ जल्दी से, किसके सदस्य को, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो हरियाणा ने आज तक, आज तक संसद में, हरियाणा से आज तक संसद में कितनी महिलाएं चुनकर गई हैं, तो 6 महिलाएं चुनकर गई हैं, केवल केवल 6 महिलाएं, है ना भाई। लोकसभा और राज्यसभा 1952 से लेकर के, है ना, वो लोकसभा के लास्ट चुनाव कब हुए थे, तो 2019 में हुए थे, है ना। तो आज तक कितनी महिलाएं संसद में गई हैं, हरियाणा से केवल 6 महिलाएं, पहली कौन सी थी, चंद्रावती थी, और छठी अभी भेजी है बच्चे, जो छठी है वो अभी भेजी है, 6th अभी चुनकर के गई है, मतलब समझ रहे हो ना, 2019 के अंदर 17वीं लोकसभा में, जिसका नाम है बच्चे सुनीता दुग्गल, सुनीता दुग्गल जी, और किस सीट से हैं, सिरसा सीट से हैं। बताया था ना लोकसभा में हरियाणा से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक अंबाला है और एक कौन सी है, सिरसा है। तो क्या समझाया, हरियाणा से कितनी महिला सांसद चुनी गई आज तक, 6, पहली कौन सी थी, चंद्रावती, और अभी जो छठी बनी है वो 2019 में चुनी गई हैं, ठीक है, जिसका नाम है सुनीता दुग्गल, जो कि कौन सी सीट से हैं, सिरसा सीट से हैं। एक लास्ट ये रिवाइज करा रहा हूँ कि हरियाणा से 3 मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के अंदर, जिनका नाम है क्या, राव इंद्रजीत हैं, कृष्ण पाल गुज्जर जी हैं, है ना। राव इंद्रजीत कहाँ से है, तो गुरुग्राम से है, और कृष्ण पाल गुज्जर जी जो हैं ये कहाँ से हैं, तो फरीदाबाद से हैं, और एक है रतन लाल कटारिया। तो 3 हैं, कृष्ण पाल गुज्जर, रतन लाल कटारिया और राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत किसके बच्चे, किसके बेटे हैं, तो राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो कि हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम थे, और दूसरे सीएम भी इसको हम कह सकते हैं। चलिए बच्चे, आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने पूरा डिटेल में आपको कराया, इससे बाहर कुछ नहीं है। आगे हम हरियाणा से राज्यपाल कौन कौन बने हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, पहले कौन है, अभी कौन है, ये सब हम पढ़ेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सारी विधानसभाएँ, जो कि आज 14वीं विधानसभा चल रही है और लोकसभा 17वीं चल रही है, इनके बारे में जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।